कटनी जिले के इस्मिलनाबाद में नर्मदा दाई तट नहर योजना की टनल धसक जाने से करीब एक दर्जन मजदूर दब गए, जिनमें से 5 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला, जिन्हें उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। टनल की मिट्टी में अभी भी 6 से 7 लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है। घटना की खबर पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कंपनी के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है। दबे लोगों को निकलने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। NVDA के द्वारा जो बरगी टनल का काम किया जा रहा है, उसमें सलीमनाबाद के नीचे ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिलिंग की मशीन को रिपेयर करने के कार्य के लिए जो शाफ्ट बनाया जा रहा था, शाफ्ट बनाने के दौरान कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर धसकने से 9 मजदूर जो हैं वो अंदर ट्रैप हो गए थे। उसमें से 3 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं, 6 मजदूर अभी भी अंदर हैं। और जो प्रोटोकॉल है, सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ऐसे एक्सीडेंट्स के होने पर उसका पालन किया जा रहा है। मैं और SP साहब, ADM, नेशनल SP, पुलिस की पूरी टीम, एडवांस लाइफ सपोर्ट की 2-2 एम्बुलेंस और SDRF की टीम, वो भी जबलपुर से रवाना हो गई है। एम्बुलेंस यहाँ पर उपस्थित है और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जो ड्रिल के अनुसार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस किया जा रहा है। 3 लेबर जो निकाले गए हैं वो सब सुरक्षित हैं। एक को थोड़ा फ्रैक्चर आया है, उनसे हम लोगों ने पर्सनली बात की, सब सेफ हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ड्रिल के अकॉर्डिंग जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी और बाकी के लेबर को भी हम लोग निकाल पाएंगे। कटनी से प्रवीण कुमार पारेश्वर की ये रिपोर्ट।